हरसुद क्षेत्र में आज लोकसभा के पांचवे चरण का मतदान हो रहा है। मतदान की शुरुआत होते ही भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचे, जहां दोनों ही दलों के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल भाजपा से विधायक और पूर्व मंत्री ने विजय शाह अपनी पत्नी भावना शाह के साथ आशापुर मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे थे। उन्होंने वहां कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार अब गिर जाएगी, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हो गए। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ता और वित्त मंत्री विजय शाह के बीच तीखी बहस भी हुई, जिसे भावना शाह ने बीच बचाव कर शांत करवाने की कोशिश की। विजय शाह के जाते ही एक बार फिर भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जिला प्रशासन ने तुरंत आशापुर मतदान केंद्र पर पुलिस की स्पेशल फोर्स को तैनात कर स्थिति को संभाला। इधर कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ आशापुर चौकी में मामला दर्ज करवाया है। और आज वो जब मतदान करके बाहर निकले तो 10-20 मीटर के उसमें ही वो कैनवासिंग कर रहे थे और मीडिया भी आई हुई थी, मीडिया को भी वो हाइट दे रहे थे। उसी बीच में मैं भी वोटिंग करने जा रहा था तो उनका हाइट ख़त्म हुआ और वो भी रोड पे थे, तो हमने भी मैंने भाई साहब नमस्कार तो नमस्ते मेरस की और कहा एकदम वो तो शुरू हो गए जब तेरी बोले कितनी गांड में ताकत है तू लगा लेना और तू क्या कर लेगा मेरा, तू मेरी कहाँ की संपत्ति की जांच कराएगा, तेरे में दम हो जितना तू जितनी ताकत लगा लेना मेरा मेरी जांच करवा देना बोले, और तेरे में नहीं तेरे कमलनाथ में जितनी दम है उतनी तू बोले बोल देना वो ताकत लगा ले और मेरी जांच करवा लेना, और बोले मैं ही तेरे एक मिनट में चौराहे पे गोली मार दूंगा। मेरा गोली मारने की धमकी दी, गाली मेरा कॉलर पकड़ने की कोशिश की। मैंने उनसे कहा मैंने भाई साहब ये मेरा गाल है, आप एक चाटा मारो मेरे को, आप चाटा मार सकते हो, हमारे पूर्व मंत्री साहब हो। तो वो फिर उसके बाद में गाली गलौज देते हुए अपनी कार में भावना शाह जी ने उनको कहा आप यहाँ मतलब की बात मत करो रोड पे, और उनको गाड़ी में बिठाया और मेरे बाद में 2 मिनट बाद मेरे बच्चे लोग सब लोग आगे मेरे। बैतूल लोकसभा का विवादों से गहरा नाता रहा है। आज जब बैतूल लोकसभा में पांचवें चरण का मतदान शुरू हुआ तो एक बार फिर विवाद की स्थिति बन गई। हरसुद के आशापुर मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विजय शाह और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि विजय शाह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर कोई आपत्तिजनक बात कही, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और विजय शाह के बीच झड़प हो गई। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें विजय शाह ने अपशब्द कहकर जान से मारने की धमकी दी है, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से कर मामला दर्ज करवाया है। दरअसल ये विवाद तब से शुरू हुआ जब बैतूल लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री कमलनाथ की सभा के बाहर विजय शाह ने मोदी मोदी के नारे लगाकर मुख्यमंत्री को चिढ़ाने की कोशिश की थी, जिस पर कमलनाथ ने मंच से कह दिया था कि हरसुद क्षेत्र में गुंडागर्दी बहुत हो गई, अब कमलनाथ गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। तब से ही विजय शाह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अनबन चली आ रही है। विवाद बढ़ता देख विजय शाह की पत्नी ने बीच बचाव कर विजय शाह को वहां से हटा लिया। अभी तक विजय शाह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सूत्रों की माने तो अभी ये विवाद और बढ़ेगा। हालांकि विवाद के बाद जिला प्रशासन ने मतदान केंद्र पर स्पेशल फोर्स तैनात कर सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस नेता बसंत पवार की शिकायत पर पुलिस ने विजय शाह के खिलाफ जान से मारने का प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारती न्यूज। जो आशा चौकी है यहाँ पे मतदान आशापुर में मतदान केंद्र है, वहाँ पे जो फरियादी बसंत पवार मतदान करने जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें यहाँ पे विधायक जो है विजय शाह जी मिले और रास्ते में इनके बीच कुछ विवाद हुआ, उसमें यहाँ चौकी पे FIR की गई। 2 करोड़ 3 लाख 500 सर अभी और क्या कार्रवाई होगी आगे आगे इसमें अभी जो फरियादी ने जैसा बताया उसके आधार पर बयान लिया जाएगा वैधानिक कार्रवाई की गई। सर कोई फोर्स भी तैनात की गई विवाद के बाद यहाँ पर? हाँ यहाँ पे विवाद के बाद जो हमारे पास रिजर्व बल था हर सूच से बोला कि यहाँ पर तैनात किया गया।